चलो आज हम लोग अपना न्यू मेथड देख लेते हैं स्ट्रिंग का, कैरेट। ठीक है, तो कैर एट मेथड कैसे काम करते हैं, देखो। कैर एट मेथड एक्सेप्ट्स एन इंडेक्स नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडेक्स नंबर एज इट्स आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स द कैरेक्टर। क्या रिटर्न करता है? कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करता है प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। समझते हैं कैसे होगा। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग s1 ले लिया www.google.com, और s1 ये क्या है? रेफरेंस। रेफरेंस क्या करता है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ये हम लोग का क्या बना है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका एड्रेस को हम लोग यहां पे स्टोर करते हैं, कहां पे? s1 पे। समझ आया? व्हाट इज अ रेफरेंस? इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, इसीलिए हम लोग एरो यहां पे दिखा दे रहे हैं। एक बार समझ लो, जैसे हम लोग इंट x इक्वल टू जब 10 लेते हैं, तो x का जो वेरिएबल नेम होता है वहां पे उसका एग्जैक्ट लोकेशन पे ही 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई होता है और वहां पे 10 स्टोर हो जाता है। बट यहां पे एग्जैक्ट लोकेशन वहां पे नहीं है, यहां पे ये पॉइंट कर रहा है कि वहां पे है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, चलो यहां तक समझ गया। अब हम लोग देख लेते हैं, देखो हम लोग क्या किए, एक आउटपुट डाले system.out.println s.char@7। तो क्या होगा सोचो, जो 7 कहां है? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इंडेक्स पे क्या है बताओ? 7 इंडेक्स पे क्या है? जी। तो हम लोग का आउटपुट में क्या आ जाएगा? जी प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा? जी प्रिंट हो जाएगा। समझ आया? मानो कोई s.char@ डाल देता, मानो 3, s.char@3 डाल देता, तो क्या प्रिंट हो जाता आउटपुट में? डॉट प्रिंट हो जाता। समझ आया? तो हम लोग का कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स हम लोग दे रहे हैं, और वहां पे जो इंडेक्स दे रहे हैं और वहां पे जो कैरेक्टर प्रेजेंट है वो हम लोग को मिल जा रहा है। कोई लड़का ऐसे भी कर सकता है, वो क्या किया, कैर सी एच ले लो वेरिएबल का नेम, कैर सी एच इक्वल टू, हम लोग इक्वल टू क्या डाल दिए? s.char@, मानो यहां पे मानो वो डाल दिए 5। ठीक है, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कुछ नहीं करेंगे, यहां पे system.out.println क्या कर देंगे? ch को प्रिंट कर देंगे, बस ch को प्रिंट कर देंगे। तो char ch में क्या आ जाएगा सोचो? s.char@5। तो ch में क्या आ चुका है बताओ? ch में क्या आ चुका है? char at 5। तो char at 5, 5 में क्या है? 0। तो ch की जगह पे क्या कैरेक्टर आ चुका है? 0। और जब हम लोग system.out.0 नहीं o सॉरी o है हाँ, और जब system.out.println ch किए तो हम लोग आउटपुट में क्या आ गया? o आ गया। वैसे कोई मानो char ch equal to s.caret, मानो हम लोग डाल दिए 9, हम लोग क्या डाल दिए? 9। तो हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पे? 9 इंडेक्स पे कौन बैठा है? e। तो हम लोग का यहाँ पे क्या आ गया? e आ गया। क्या आ गया? e। और जब हम लोग प्रिंट किए तो हम लोग का आउटपुट में क्या गया? e आ गया। तो कैरेट क्या करता है? कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स का कैरेक्टर हम लोग को यूजर को दे देता है। क्लियर है? अच्छा से समझ आ गया। कैरेट फंक्शन को रन करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया है www.google.com और system.out.println s1.charAt, मैंने 3 इंडेक्स को किया। तो 3 इंडेक्स पे कौन है? देखो 0 1 2 3 डॉट है। चलो कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, डॉट आ गया। ठीक है, डॉट आ गया। अब एक बार एक और देखते हैं, मानो कोई और देख लेते हैं, मानो 7 डालते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, जी आ गया। ठीक है, मतलब ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अगर कोई चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखना, वो एक कैर सी नाम का वेरिएबल ले सकता है और उसमें s1.char@, मानो उसको जो भी डालना है, मानो a6 डाल दिया, ऐसे भी कर सकता है। और यहां पे मानो हम लोग इसको रब करके c को प्रिंट करते हैं। तो देखो कंपाइल करते हैं, देखो यहाँ पे o आ गया। तो हम लोग का प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है। मैं इस वीडियो का कोड और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना।